नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। आज की विजिट फिर से एक बार थानेदार डेयरी फार्म जो बलजीत जखोली जी जींद हरियाणा के हैं उनके फार्म पर है। आज की विजिट में ये जो आप झोटी देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइमर शो क्वालिटी मिल्क और ब्यूटी दोनों में नंबर वन है। ऐसी झोटी हम समय समय पर आपके लिए मुर्रा नस्ल की भैंसों में इसी चैनल पर लाते रहते हैं। हम यहाँ पर सस्ती और जो सबसे सुंदर हो साथ ही दुधारू हो ऐसी ही भैंसें दिखाते हैं। इसके आप ऑर्डर की क्वालिटी देख सकते हैं, साथ ही सेहत और इसकी हाइट, सिंगों की बनावट और सुंदरता देखते ही बनती है। यह शो क्वालिटी की भैंस जो ब्रीडरों की फर्स्ट चॉइस रहती है, ऐसी ही भैंसें हम समय समय पर इस चैनल पर लाते रहते हैं। इस भैंस को आप देख सकते हैं, इसके थनों की बीच की दूरी, साथ ही थनों का साइज और जो लेवटी आर्डर है, फर्स्ट टाइमर झोटी का आर्डर इतना विकसित काफ़ी कम देखने को मिलता है। जो आर्डर स्टार्ट हो रहा है वह योनि द्वार के निचले हिस्से से आर्डर स्टार्ट हो रहा है और ऐसा आर्डर फर्स्ट टाइमर झोटी के वह भी 6 दिन की ब्याई हुई हो, जब वह अपना पूरा दूध पीक पर आएगी तब इसका आर्डर की क्वालिटी देखते ही बनेगी। आप इसकी सेहत को और इसकी हाइट और लेंथ जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ये शानदार शो क्वालिटी की फर्स्ट टाइमर झोटी है। इसका आपको काफ भी दिखाता हूँ। इसका मेल काफ है, इसने 6 दिन पहले ही एक मेल काफ को जन्म दिया है। यह मेल काफ भी ब्रीडिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। ऐसी भैंसें, ऐसी झोटियाँ जो फर्स्ट टाइमर होती है और 6 दिन में ही अपना दूध तैयार कर लेती है, ऐसी मैं लाइव मिल्किंग भी आपको आज इस चैनल पर दिखाऊंगा। इस झोटी की हम लाइव मिल्किंग दिखाएंगे। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही साथ नज़दीक दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको समय समय पर मिलती रहे। हम इस चैनल पर सबसे सस्ती यानी कि जो मार्केट में ऐसी झोटियों के प्राइस रहते हैं उनसे आपको 30-40% तक प्राइस कम मिलेंगे। ऐसा हम रेगुलर इस चैनल पर लाते रहते हैं जो शो क्वालिटी की हो, साथ में दूध में भी नंबर वन हो, ब्यूटी में भी नंबर वन और दूध में भी नंबर वन, ऐसी झोटी हम समय समय पर आपको दिखाते रहते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंसें जो 20 प्लस की हो वह बलजीत जखोली जी के पास हर समय उपलब्ध रहती है, जो जींद हरियाणा के निवासी हैं। इस झोटी की हम लाइव मिल्किंग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप लाइव मिल्किंग दिखाते हैं तो जो सेलर है वो अपने काफ को उतना दूध नहीं पिलाता है, लेकिन होना यह चाहिए कि काफ को पूरा दूध पिलाएं। ये वीडियो में आज आपको कंप्लीट दिखाऊंगा विदाउट स्पीड बढ़ाए हुए। काफ को दूध पिला दिया गया है, काफ को दूध पिलाना उसकी सेहत के साथ सही व्यवहार करना है, अदरवाइज उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। सिर्फ झोटी को बेचने के चक्कर में और अधिक दूध दिखाने के चक्कर में काफ को दूध नहीं पिलाएं, जो कि 5-6 दिन का ब्याह हुआ है। उसको दूध अगर ऊपर से पिलाया जाता है तो वह उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक है और डायरेक्ट थनों से पिए तो उसकी पावस भी आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। यह बिल्कुल पावस की है, इसके थन आप देख सकते हैं। जो थनों के बीच की दूरी है वह आपको साफ दिखाई देती है और साथ ही साथ जो थनों की लंबाई है, पावसने के पश्चात आप इसकी थनों की लंबाई भी देख सकते हैं। यह जो शो क्वालिटी की है तो हम आपको दिखा पाएं कि यह शो क्वालिटी की किस वजह से है। इसकी पीठ पुट्ठे की चौड़ाई, साथ ही जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो हड्डियों का ढांचा है जिसके अंदर यह आर्डर एक शानदार क्वालिटी दिखाता है। ऐसी शो क्वालिटी की मुर्रा भैंसें आपको बलजीत जखोली जी के पास ही मिलेंगी और जो ब्रीडिंग के लिए भी उपयुक्त होगी। आप ऐसी भैंसों के लिए बलजीत जखोली जी से संपर्क कर सकते हैं। लाइव मिल्किंग स्टार्ट होने वाली है। ये आप खाली बाल्टी देख सकते हैं, ये बाल्टी कंप्लीट खाली कर दी गई है। इसमें जो पानी था वह पहुँचाने के लिए वह निकाल दिया गया है। अब आप इसकी लाइव मिल्किंग देखेंगे। लाइव मिल्किंग भी आपको शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखनी चाहिए ताकि मैं आपको जो आगे लाइव मिल्किंग और साथ में मिल्किंग के लिए क्या तरीके यूज़ किए जाएँ वह भी इस वीडियो में बताऊँगा। आप इसकी लाइव मिल्किंग को देखिए। जब लाइव मिल्किंग आप कर रहे हो तो झोटी जो फर्स्ट टाइमर होती है वह थोड़ी आनाकानी करती है, हिलने डुलने लग जाती है, लेकिन आप इस झोटी को देखेंगे कि शुरू से अंत तक चाहे कितना भी समय लगाया जाए दूध निकालने में,
यह अपने पैर को भी नहीं हिलाएगी और साथ ही कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे आपको परेशानी हो दूध निकालने में। शो क्वालिटी की भैंसें सिर्फ ब्यूटी और दूध से नहीं होती है, उनके लिए यह भी उपयुक्त रहता है कि वह कितनी शांत शालीन स्वभाव की है। ये आप देख सकते हैं, इसके चारों थनों का हम दूध निकालकर आपको दिखा रहे हैं कि इसमें कोई छर्रा नहीं है, जिसको पपैया इत्यादि कहा जाता है। इसकी धार बिल्कुल सटीक है और अच्छी लंबी धार है और ये दूध निकालने में भी आसानी है। इसका दूध टाइट नहीं है, बहुत नरम दूध की झोटी है, जो फर्स्ट टाइमर झोटी हो, यानी कि ब्रीडिंग के लिए अगर आप इसको चूज करना चाह रहे हैं तो ब्रीडिंग में ऐसी झोटी कामयाब रहती है जिनकी आगे आने वाली नस्लें बेहतरीन क्वालिटी की हो। लाइव मिल्किंग स्टार्ट हो रही है। आप यह भी जान लें कि झोटी के सींगों की बनावट मुर्रा नस्ल की पहचान है और साथ ही जो पूंछ जो टेल है उसमें 4 इंच तक की कलर वाइट हो तो वह भैंस मुर्रा नस्ल की प्योरिटी में आती है। और इसको अगर अच्छे सिमन के साथ आगे क्रॉस करवाया जाए तो ये बेहतरीन नस्ल की झोटियाँ और कटड़े देंगी जिनसे आप ब्रीडिंग के अंदर काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। और जो फार्मर आप जो किसी दूसरी जगह से हैं, यानी कि आप हरियाणा से अलग से हैं, किसी अदर स्टेट से हैं, तो आपके लिए ऐसी झोटियाँ उपयुक्त रहती है क्योंकि आपको चाहिए कि साथ ही साथ मेल काफ भी आपको मिले। फीमेल काफ भी आपके लिए उतना ही यूजफुल है जितना कि मेल काफ। मेल काफ ब्रीडिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त रहता है ऐसी झोटियों का जिनका दूध अच्छा हो, यानी कि जो ब्याने के कुछ दिन के अंदर ही अपने दूध के नज़दीक आ जाए। यह 6 दिन की ब्याई हुई है और जैसा कि हमने बलजीत जखोली जी से बात की है कि इसने दूध 14 लीटर दूध तैयार कर लिया है। अभी 6 दिन की ब्याई हुई फर्स्ट टाइमर झोटी ने यदि 14 लीटर दूध तैयार कर लिया है तो आप इसके बारे में अंदाज लगा सकते हैं कि ये अपने पीक मिल्क यील्ड पर कहाँ तक पहुँचेगी। इसके बारे में सिर्फ अंदाज ही लगाया जा सकता है क्योंकि इसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता है, प्रेजेंट के रिकॉर्ड से ही आप इसके अंदर अंदाज लगा सकते हैं। जो सामने के यानी कि अगाड़ी के दो थन अगले दो थन है उनके दूध भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। अगाड़ी के दो थनों के दूध से आप उसके पिछले थनों के दूध की कैपेसिटी का भी अंदाज लगा सकते हैं। भैंसों में सामान्यतः पिछले थनों में दूध अधिक होता है, यह आप देख सकते हैं। ये अगाड़ी मतलब अगले थनों का दूध है, यह 2.5 लीटर या आप कह सकते हैं 3 लीटर के आसपास दूध जरूर से होगा। जो लोग 10 लीटर की बाल्टी में दूध निकालते हैं वह इस दूध को अच्छे से मेजर भी कर पाएंगे कि यह दूध कितना अगाड़ी का है यानी कि अगले थनों का है। पिछले थनों की दूध की मिल्किंग स्टार्ट कर रहे हैं और पिछले थनों में कितना दूध है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही इसने कंप्लीट कितना दूध दिया है वह भी आप मेजर कर पाएंगे। यह काफ जो मेल काफ है वह भी काफ़ी सुंदर और सेहतमंद है। जो भैंस की क्वालिटी है वह क्वालिटी इसके काफ में भी अच्छे से नज़र आ रही है और ऐसी नस्लें नस्ल सुधार के लिए काफ़ी उपयुक्त रहती है। यह जो अगले थनों का दूध निकाल लिया गया है पिछले थनों में भी पावस उतना ही है। दूध निकालने में समय जरूर ले रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि आपको उसकी पावस सही तरीके से दिखा पाए। यदि पावस अच्छी है तो उसका दूध निकालने में यदि आप 10 मिनट का भी समय ले रहे हैं तो भी वह झोटी अपना कंप्लीट दूध देगी। कंप्लीट दूध कुछ भैंसों में पावस की कमजोरी की वजह से आपको चाहिए कि 5 से 7 मिनट के अंदर ही दूध निकाल लें, लेकिन फर्स्ट टाइमर झोटी है तो उसका पावस भी अधिक है। और साथ ही ये झोटी की भी खासियत है कि इसकी पावस बहुत शानदार है, साथ ही जो थनों का नरम दूध है, जो थन नरम है जिसकी वजह से दूध निकालने में भी बड़ी आसानी रहती है, ऐसा भी आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इसकी अडर की क्वालिटी है, वह दूध निकालने के पश्चात भी आपको दिखेगी कि वह उसी शेप में है, यानी कि जो अडर की क्वालिटी है वह बिना दूध रोके हुए है। जब रोका हुआ दूध होता है यानी कि एक समय का दूध थनों में लेवटी के अंदर रह जाता है या कुछ दूध एक समय का रख लेते हैं कुछ पशुपालक, फिर उसको शोकेश करते हैं लाइव मिल्किंग के लिए, तब वह दूध जरूर से दिखा देती है लेकिन उसका अडर बिल्कुल पिचक जाता है क्योंकि दूध उसका एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है कंप्लीट और अब थनों के अंदर कुछ भी स्पेस नहीं बचा है। ऐसी झोटियों के अंदर या ऐसी भैंसों के अंदर जो अडर है वह बिल्कुल छोटी शेप में आ जाता है लेकिन इसका अडर उसी अनुरूप है। लाइव मिल्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। आप यदि इस झोटी को खरीदने के इच्छुक हैं तो मैं आपको बलजीत जखोली जी के नंबर स्क्रीन पर भी दूंगा, साथ ही आप नोट करना चाहें तो वह नोट भी कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है
81 4 times 0 999 6। आप इस झोटी का 2 से 3 times 4 times या 5 times तक भी दूध निकाल कर देख सकते हैं। ऐसा बलजीत जखोली जी का मानना है कि जो कंप्लीट अच्छा दूध देने वाली भैंसे हैं उनका आप दूध चाहे 2 times निकालें चाहे 10 times निकालें, वह हम ऐसी सुविधा आपको देंगे। आप यहाँ पर आकर इस झोटी को पसंद करके इसकी दूध की चुवाई करके और अच्छे तरीके से देख परख कर खरीद सकते हैं। कीमत के बारे में बात करें तो इस फर्स्ट टाइमर झोटी की 150,000 रुपये बलजीत जखोली जी ने डिमांड की है। इसके लिए काफ़ी ब्रीडर क्यूब में भी हैं। आपको चाहिए कि आप समय से इनसे संपर्क करें ताकि ऐसी झोटी आप मिस नहीं कर पाए। यह दूध कंप्लीट निकाल लिया गया है, लाइव मिल्किंग कंप्लीट हो गई है। 9 लीटर की बाल्टी है और उसके अंदर बिल्कुल कंप्लीट दूध ऊपर तक आ गया है, यानी कि हो सकता है 9 लीटर की बाल्टी में 2 लीटर तक के स्पेस का दूध झाग का भरा हुआ हो, फिर भी यह दूध 7 लीटर कंप्लीट है। और कुछ दूध काफ के लिए भी छोड़ दिया गया है। काफ को भूखा रखना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है झोटी बेचने के लिए, ऐसा भी बलजीत जी का मानना है। 6 दिन की ब्याई हुई के यदि 14 लीटर दूध तैयार है तो वह शानदार शो क्वालिटी के साथ साथ मिल्क लाइन की भैंस है। मुझे ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य पशुपालक मित्रों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। आपका कोई कमेंट हो, शिकायत हो, सुझाव हो तो वह भी हमें जरूर से लिखकर भेजिए। धन्यवाद दोस्तों।